हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ये न्यूज़ आई है तो इस वजह से ये शेयर गिरेंगे। ओके, एक मौका मिलेगा, तो आपको बताना चाहता हूँ मौका अभी है, बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अभी मौका है, तो अभी अगर हम एक्यूमुलेट करेंगे वो पर्टिकुलर शेयर्स, क्योंकि अभी गिरे हुए हैं, मार्केट गिर रही है, और वो शेयर मार्केट गिरने पर गिरते हैं, वरना वो मार्केट वरना ऐसे वैसे नहीं गिरते। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। ओके, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को हिट करें ताकि फौरन तौर पर इस तरीके के आपको अपडेट्स मिलते रहे हमारे वीडियो के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारी एक फैमिली ग्रो हो। एक फैमिली ग्रो होगी तो ऑब्वियसली बात है हम सब आगे बढ़ेंगे इस तरीके की नॉलेज लेके। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप इस पर क्लिक करिए, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा, एज वेल एज आपको बहुत सारे बेनिफिट इसके साथ मिलेंगे। एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार जो आप दान कर सके दान कर दीजिएगा, एक अच्छा पुण्य का काम है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं निफ्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50, तो निफ्टी 50 किस तरीके से गिरा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा खासे यहाँ पर गिरावट है 1.79% की। और अगर बात करें एक और हमारी जो बात चल रही है वो है निफ्टी 50 बैंक से रिलेटेड। बट सबसे पहले न्यूज़ को कवर कब करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ है कल की। तो क्या न्यूज़ है कि व्हाट टुडे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन लोन मोरेटोरियम मीन्स फॉर बैंक। तो आपको पता ही है कि जब पेंडेमिक आया था मार्च के बाद, तो बहुत सारे लोग अपनी जो बैंक थी उन्होंने मोरेटोरियम दे दिया था, 6 मंथ का पीरियड दिया था, तो उसमें कर्ज माफ़ी के ऊपर चल रहा था। और आपको बीच में पैसे भी आए होंगे, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए थे किसी को, घर के अकाउंट में किसी, जिस हिसाब से जिन्होंने लोन लिया था वो इंटरेस्ट रिपे किया था गवर्नमेंट ने, तो 2 करोड़ रुपये से नीचे था वो रिपे किया था, बाकी नहीं किया था। तो उसी से रिलेटेड कल न्यूज़ आई थी और गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत है जो जितना मिलना था उन्हें मिल गया, अब ज़्यादा किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा, सेक्टर वाइज कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो क्या है, अब अभी तक एनपीए थे जो बैंक के, वो अभी तक शो नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने कह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था अभी आप शो नहीं करेंगे, बट अभी एनपीए शो होंगे। तो क्या है कि एनपीए शो होंगे तो आप तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, इन द सेंस जो शेयर्स है पर्टिकुलर बैंक के और फाइनेंस के वो शेयर गिरेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, उसके पीछे रीज़न है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए बैंक यहाँ पर, ये निफ्टी बैंक है, ऑलरेडी बहुत सारा ऊपर, मतलब 37,000 के आसपास गया था, उसके बाद गिर चुका है और आज की डेट में 33,293। ओके, इस पे ये चल रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है, ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि निफ्टी 50 गिर रहा है। ओके, पूरा मार्केट गिर रहा है, पूरा सेक्टर गिर रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल रहे हैं, तो ये गिर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे शेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो निफ्टी निफ्टी बैंक को बनाते हैं, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, पीएनबी, ओके, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो इन्हीं शेयर से रिलेटेड, मतलब हम हमारे गिने चुने जो हम 5 शेयर बताते हैं ना, कौन से, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, और हम बात करेंगे यहाँ पर बंधन बैंक की और हम बात करेंगे फेडरल बैंक की। तो यही कुछ शेयर है गिने चुने जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ओके, इन्हीं में हमें इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा हमें बाहर की तरफ देखना नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए ऑलरेडी 6,600 के आसपास गया था, 672, और फिर उसके बाद यहाँ पर गिरते गिरते 567 आ गया है। तो जो बात की जा रही है ना कि अब एनपीए दोबारा ये रीबैलेंसिंग करेंगे और बताएंगे कि हाँ एनपीए कितने हैं तो हमें मौका मिलेगा, तो देखिए मार्केट जब गिर रही है ना तो यही मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं ना वो ऑलरेडी अपने प्रोविज़न कर चुके हैं, वो अपनी प्रोविजनिंग कर चुके हैं, इसलिए बड़े बड़े बैंक यहाँ पर गिरे हुए। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ना, बंधन बैंक की अगर आप बात करेंगे और उसका Q3 का आपका रिजल्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये शेयर चल रहा था 4,724 पे, उसके बाद ये शेयर यहाँ पर गिरा, चार मतलब 300 रुपये के आसपास आ गया था। क्यों आया था आपको पता है, ये इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर लॉस दिख रहा था, और लॉस किस लिए दिख रहा था, क्योंकि इसने बहुत बड़ी प्रोविजनिंग पहले ही कर रखी थी। तो ये मार्केट है ना बहुत पहले चलता है, ये बैंक है तो ये पहले ही चल रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने बहुत बड़ी प्रोविजनिंग कर रखी है,
और कि हमें हाँ इतना हमारा एनपीए में जा सकता है, तो इसलिए मार्केट में जो शेयर है ना, जो इतना गिरावट इसने दिखाई है, ओके तो ये गिर पहले ही चुका है, उसके बाद तो अब ये रिकवर हो रहा है, और रिकवर होते होते ना यहाँ पर 357 पे चल रहा है। मैं आपके आपको 300 पे भी बताया था कि इस शेयर को ले लेना और बाय ऑन डिप्स कर लेना, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, एज वेल एज मेरे जो कुछ जिनका मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ उन्होंने ऐड कर किया था, उनके भी मैंने ऐड करवाया था। तो ये ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ बैंक है प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बैंक वेट नहीं करेंगे कि हम बाद में प्रोविजन करेंगे। और हाँ, गवर्नमेंट ने एससी ने यहाँ पर मना कर दिया था प्रोविजन करने के लिए, बट इन्होंने अपने तरफ से जो प्रोविज़न था वो ये कर चुके हैं, ये बहुत बड़ा प्रोविज़न ये कर चुके हैं बंधन बैंक। ओके तो अब ये ऊपर ही जाएगा, 357 पे ये चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस बैंक में तो बिल्कुल भी गिरावट नहीं है, ना के बराबर गिरा हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं ना, ये ऑलरेडी अपनी प्रोविज़न कर चुके हैं और उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट इनमें होती आई है, यहाँ पर ये देख लीजिए। इसके अलावा हम बात करें एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक को भी, तो एचडीएफसी बैंक भी देखिए अच्छा खासा गिर चुका है। इसके बाद और गिरने के, अगर आप सोचोगे कि ये 700 पे आपको मिल जाएगा जो पेंडेमिक के टाइम पे मिला था, तो सॉरी ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कोटक बैंक की, तो देखिए कोटक बैंक भी आपको इस तरीके से नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचेंगे कि 1300 पे आ जाएगा, बीच में 1300 पे के लगभग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आया भी था, ओके उसके बाद भाग गया, और उसके बाद देखिए गिरावट कंटिन्यूस यहाँ पर हो भी रही है। तो आप अगर सोच रहे हैं ये केवल प्रॉफिट बुक हो रहा है, मार्केट गिर रही है, तो ये शेयर गिर रहे हैं। और अगर बात सोच रहे हो कि ये एक न्यूज़ आ गई है और उस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर और गिरावट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये जो बेहतरीन बैंक है ना, इन्हें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो। अगर नीचे आएंगे तो देखिए बेनिफिट की बात है, बट ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि क्या कहते हैं ये गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये न्यूज़ आ गई है। Q4 में जब ये अब दिखाएंगे ना, आपका रिजल्ट दिखाएंगे, तो प्रोविजन ये ही नहीं, बड़ी बड़ी बल्कि गवर्नमेंट बैंक भी है ना, बड़े बड़े SBI हो गया। और मैंने कुछ दिन पहले आपको एक एक और बैंक बताया था, सेंट्रल बैंक। ओके मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो बैंक बिजनेस कर रहा है अच्छा खासा, वो कुछ उसमें गलत न्यूज़ दिखाई जा रही है, उसकी वजह से वो आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, वरना और कुछ नहीं है ये। वरना इसका टारगेट 26 रुपये यहाँ पर से गया था, तो यहाँ से ये कुछ है कि बीच में गलत न्यूज़ न्यूज़ वाले आपको पता ही है, घुमा फिरा के दिखाते हैं, तो यहाँ पर गिर गया था। उसके बाद मैंने यहाँ भी बताया था, यहाँ पर से आप इसे ले सकते हैं, 26 रुपये तक का इसका टारगेट है, 26 16 का 26 होना, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके का इसमें रिटर्न आपको मिलेगा। ये बैंक भी आप देख सकते हैं, बट ये रिस्क है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ही पैसा इन्वेस्ट करना, ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की बिल्कुल मत सोचना। इसके अलावा अगर हम बात करें बंधन बैंक, मैं आपको बता चुका हूँ, एज वेल एज मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं अब आपको बताऊँ तो एक्सिस बैंक, इसकी तरफ भी देख लेना, SBI देख लेना, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, तो ये 5-6 बैंक है। इसके अलावा फेडरल बैंक, ये आपको मिलते हैं, बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है, करिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मार्केट इस तरीके से नहीं रहने वाली, मेरे को लग रहा है नेक्स्ट मंथ रिजल्ट का टाइम है, रिजल्ट के टाइम पर ये शेयर उससे पहले भागते नजर आएंगे और अपने जो ये लेवल है ना इसे क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। हर एक बैंक, जितने भी बैंक है ना, सारे के सारे बैंक आपको उसी लेवल पर नज़र आते हुए दिखेंगे। तो इसलिए ज़्यादा इसके चक्कर में मत रहना कि प्रोविजनिंग होगी, तो प्रोविजनिंग अगर होगी तो वो Q4 के बाद ही आपको जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ओके ऑलरेडी और बड़े बड़े बैंक ऑलरेडी प्रोविजन कर चुके हैं, यही मेरा कहना है। तो सिंपली ये बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिल रहा है, अच्छे अच्छे बैंक बड़े नीचे लेवल पर मिल रहे हैं, ICICI बैंक मिल रहा है, बंधन बैंक मिल रहा है, ओके HDFC बैंक मिल रहा है, तो इन्हें एकुमुलेट करिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अच्छे खासे रिटर्न बनाइए। और बाकी ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल एक नॉलेज वाली वीडियो थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नॉलेजेबल वीडियो है। तो बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, खुद की स्टडी करके ये करिएगा, और मुझे जो पता है कि हाँ ऑलरेडी इन्होंने प्रोविज़न करके रख रखा है, और बहुत बड़े बड़े पैमाने पर प्रोविज़न कर रखा है, इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े बैंक प्रोविज़न करके बैठे चुके हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर शेयर में बड़ी गिरावट हो चुकी है। सो दैट्स इज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाकी पोजिशन लेने से पहले ध्यान रखिएगा, खुद की स्टडी डेफिनेटली करिएगा। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाता रहूं और आप हम सभी इसी तरीके से ग्रो होते रहे, एक फैमिली बनेगी, और हमारी जब फैमिली बनेगी तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।